السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة

और अहम मौजू ले के आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो मौजू है जन्नत और जहन्नम का बयान इन शह तबारक ताली आपके सामने जन्नत की तफसीलात किस तरीके से अल्लाह तबारक तन्नत को अपनी रहमत से सजाया है और क्या क्या नमतें अल्लाह तबारक त जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए तैयार कर रखी हैं उसका तस्करा इनशा होगा इसी तरह से जहन्नम जो अल्लाह तबारक ताल के अजाब का घर है किस किस तरह से उसमें अजाब है क्या क्या उसकी सख्तियाँ हैं इन श्ला तबारक व इसका तस्करा आपके सामने होगा लेकिन सबसे पहले हम जन्नत को लेते हैं और जन्नत की तफसी आपके सामने बयान करने की कोशिश करते हैं लिहाजा हमारा ये मौजू है जन्नत और उसकी नमतें नादरीन कराम यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है और हम कर सकते हैं कि हमने जन्नत और जहन्नम में से जन्नत को मुकदम क्यों किया हमने जन्नत के बयान को पहले मुकदम किया और जन्नत के बयान को जहनम के बयान से पहले हम क्यों कर रहे हैं नादरिन राम हमें और आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक की रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है और अल्लाह तआला की रहमत अल्लाह के गज़ब पर सबकत ले गई है और जन्नत अल्लाह की रहमत है और जहन्नम अल्लाह तबारक तआला का गजब है अल्लाह तबारक अज़ाब है तो चूँकि अल्लाह रहमत अल्लाह के गज़ब पर अल्लाह के गुस्सा पर अल्लाह के आदाब पर सबकत ले जा चुकी है इसलिए बयान में भी हम पहले जन्नत का तस्करा कर रहे हैं और उसके बाद जहन्नम का तस्करा किया जाएगा जन्नत अल्लाह तबारक व की रहमत है और अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर सबकत ले जा चुकी है इसकी दलील क्या है और इसके बारे में अल्लाह के नबी आसलाम ने क्या बयान फरमाया है चुनानचे अबू हरे त से रिवायत है कि अल्लाह के नबी नबीम ने फ़रमाया एहत ज तन्नारल जन्नत फ़क़ा यानी जहन्नम ने और जन्नत ने दोनों ने आपस में बहस बहसा किया तो जहन्नम ने कहा कि मेरे अंदर तो जब्बार शर्कश और मतकबर लोग दाखिल होंगे और जन्नत ने कहा कि मेरे अंदर कमज़ोर मस्किन और फ़ीर लोग दाखिल होंगे आम तौर से अल्लाह ने उन दोनों को मुखातब करके कहा जन्नत से कहा ए जन्नत तू मेरी रहमत है तेरे ज़रिए से मैं जिस पर चाहूँगा रहम करूँगा और ए जहन्नम तू मेरा अजाब है तेरे ज़रिए से मैं जिसको चाहूँगा अपने बंदों में से अज़ाब दूँगा तो ये अल्लाह की रहमत जन्नत है और ताला का अजाब है इस हदीस को यहाँ मुस्लिम रहमोल्ला ने हदीस नंबर दो हज़ार आठ सौ छियालीस फरमाया है तो ये मालूम हो गया नाज़रीन किराम की जन्नत अल्लाह की रहमत है और जहन्नम अल्लाह का आजाब है हाँ अल्लाह की रहमत अल्लाह के आजाब पर सबकत ले जा चुकी है इस बारे में भी अब हर अब्दुलरमान तआला सख रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ने फरमाया इन अल्लाह का किताबन कबल खल्क़ अल्लाह ताली ने एक किताब लिखी है एक तहरीर लिखी है मखलूक के पैदा करने से पहले क्या वो तहरीर है क्या वो किताब है इन रहमती सबकत गदबी मेरी रहमत मेरे गुस्सा पर सबकत ले जा चुकी है अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह के गज़ब पर सबकत ले जा चुकी है तो ये किताब ये तहरीर अल्लाह तबारक तरश के ऊपर है इस हदीस को बुखारी रही ने सात हज़ार पाँच सौ चौवन नंबर पर जिक फरमाया है तो रहमत अल्लाह तबारक ताली की अल्लाह के गुस्सा गज़ब पर सबकत ले जा चुकी है और जन्नत अल्लाह की रहमत है और जहन्नम अल्लाह का अजाब है इसलिए नाजरे ने कराम हम सबसे पहले अल्लाह तबारक ताली की रहमत का बयान करते हैं अल्लाह की रहमत का तस्करा करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक तमें अपनी रहमत का मुस्तह बनाएगा और अपने अजाब से हम सब को महफूज करेगा तो जन्नत और उसकी नेमतें इस इसवान से हम इन शह तबारक तप से पाँच नुकते में और पाँच पॉइंट में गुफगू करेंगे नाजरे ने के राम जिनमें सबसे पहला नुकता ये है कि जन्नत क्या है और ये एक तरह से तमीजी गुफगू होगी और दूसरा नुकत है हमारा जन्नत के अवसाफ़ क्या हैं जन्नत की तफसी क्या कुर से बयान की गई हैं और तीसरा नुक्ता होगा जन्नत में जाने वाले अहले जन्नत की ऐशो इशरत से पुर जिंदगी कैसी होगी ऐशो इशरत वाली और पुरऐश ज़िंदगी जन्नत वालों की किस तरह से होगी उसकी झलक पेश की जाएगी और चौथी बात यह बयान की जाएगी जन्नत में कौन जाएगा और आखिरी बात जो होगी वो खुलासा पेश किया जाएगा और फिर अपनी बात को ख़त्म किया जाएगा नदरीन कलाम आइए सबसे पहले हम तमहीदी गुफ्तू की तरफ चलते हैं जन्नत क्या है तो जन्नत के बारे में हमें जानना चाहिए कि जन्नत हर मुसलमान का मतमह नज़र और उसका मकसद हयात है हर मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद क्या है मुसलमान की भाग दौड़ का मकसद क्या है मुसलमान की मेहनत और इबादत का मकसद क्या है अल्लाह तबार तआला की जन्नत है तो मुसलमान का टारगेट मुसलमान का निशाना मुसलमान का हदफ और मुसलमान का मकसद हयात ये अल्लाह तबार को ताली की जन्नत को हासिल करना है अल्लाह तबारक ताली ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को आखरत में इनाम से नवाजेंगे और वो ऐश आराम की ज़िंदगी जो उनको नसीब होगी और जिस तरह से अल्लाह ताला उनको नेमतों में रखेंगे उसी ज़िंदगी का नाम जन्नत की ज़िंदगी कहा जाता है जन्नत के तल्ल से अक्ल परस्ती से दूर रहना चाहिए जन्नत और जहन्म की तफसीत के बारे में हमें अक्ल से काम नहीं लेना चाहिए मुसलमानों की हिदायत के लिए शरत अव्वल ईमान बिल ग़ैब है अल्लाह ताला ने तूर बकरा को जो शुरू फ़रमाया तो फरमाया अलिफ ला मीम बुला रई बफ़ी ही हदलमतिन बिल गैबी कोई तफसील बयान करने से पहले कोई जो है हुक्म और इबादत बयान करने से पहले अल्लाह ने पहले बयान फ़रमा दिया कि ये किताब मतकीियों के लिए हिदायत का ज़रिया है और मुत्तकी की सबसे पहली सिफत यह है ईमान बिल गैब ग़ैब पर ईमान लाना हमने जन्नत को नहीं देखा है जन्नत की तफसीलात को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है उस पर हमें गैब से ईमान लाना है अल्लाह तबार को तला ने सूरह बकरा की आयत नंबर एक से लेकर तीन तक बयान फरमाया है दुनिया में जन्नत की तफसीलात वाकई नाकबिल फहम है आपके सामने जन्नत की जो तफसीलात आएंगी तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है वैसा कैसे हो सकता है बिला शक व शुबा दुनियावी ज़िंदगी में हमारी अक्ल हमारी नजरें यह महदूद है नाकबिल फहम है जो हमारी महदूद अक्ल से बारातर है लेकिन क्या वाकई किसी चीज़ का हमारी अक्ल में ना आना उसके बातिल होने की दलील है अगर हमारे अक्ल में कोई चीज़ ना आए हमारे लिए कोई चीज़ ताजुब खेज हो तो क्या इसका मतलब यह है कि वो चीज़ है नहीं वो चीज गलत है दुरुस्त है बिला शक् व शुबा जन्नत की तफसीत का महज अक्ल में ना आने की वजह से इनकार करना सरासर बातिल शैतानी फरेब और खुल्लम खुल्ला गुमराही है कितनी ऐसी बातें हैं नाजरीन के राम जिन्हें हम मानते हैं मगर वह बातें हमारी अक्ल में नहीं आती लेकिन फिर भी तस्लीम करते हैं साइंस ने बयान किया है कितनी बातों को जिसे बिल्कुल इंसानी अक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती है मसलन ज़मीन का जो हरकत करना ज़मीन से सूरज का फासला सूरज की जसामत और उसकी मोटाई वगैरह दीगर तफसीलात जो साइंसी तहकीकात से सामने आई हैं यह हमारी अकलों में नहीं आती हैं मगर उसके बावजूद इन बातों को सिर्फ इसलिए तस्लिम किया जाता है कि साइंसदानों ने तहक़ीक करने के बाद तजर्बा के बाद इन चीज़ों को बयान किया है साइंस की बातें समझ में ना आए तो हम न सिर्फ अपनी कम इलमी और कम अकली का फ़ौर इतराफ़ कर लेते हैं जब कोई साइंस तहकी पेश करती है तो हम कहते हैं भाई उनको मालूम है वो लोग ज़्यादा तहक़ीक करते हैं वो रिसर्च करते हैं वो इसके दिन में इसके पीछे दिन रात रहते हैं हम अपनी कम इलमी का इतराफ करते हैं और उनकी इलमी जहानत और फ़तानत का दाद देते हैं मगर जब अल्लाह उसके रसूल वसलम की बात अगर हमारे अक्ल में ना आए तो बजाय इसके कि हम अपनी कम इलमी का एतराफ़ करें औरल को महदूद मान कर अल्लाह की अज़मत और कुदरत का अतराफ़ करें हम फ़ौर उनका इनकार करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं नाजरीन कराम ये हमारे लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जन्नत और जहनम की सारी तफसी बयान फरमाई है वो बरहक हैं। साइंसदानों की तहकीकत के सही होने और गलत होने का काम है और अल्लाह रसूल की बातें बिल्कुल कतई और अटल है जिसमें किसी तरह से गलती नहीं हो सकती है नाजरेन कराम याद रहे जो लोग वह की तलीमत पर ईमान बिल गैब ले आए और मरने के बाद दूसरी जिंदगी की तफसीत को तस्लीम किया वो कामयाब और कामरान होंगे और जिन्होंने इन तलीमत को अक्ल की कसौटी पर परखा वो नाकाम और नाम होंगे जिस शख्स का ईमान बिल गैब जितना मस्तहकम होगा जन्नत पर यकीन व ईमान भी उतना ही मजबूत होगा अहल ईमान का तर्ज अमल तो बिल्कुल वाज़ है रबना अन समैना मुनादा दिल ईमानी अनु रब आमन्ना फा दोनो बना वफिर सया वफाना मब्रार जब अल्लाह की तरफ से कोई बात आती है जब रसूल की तरफ से कोई बात आती है तो मोमिन उसको अपने अक्ल पर नहीं परखता है मोमिन उसको अपने अकल के मैार पर नहीं जो है परखने कोशिश करता है बल्कि बिला किसी झिझक के मोमिन उस पर ईमान ले आता है उसका इकरार कर देता है सूर्य नंबर एक सौ तिरानवे में अल्लाह ने ही सिखाया है रब बना समय ईमान अल्लाह हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान लाने के लिए पुकार रहा था फ़ा मन्ना हम फ़ौर ईमान ले आए वक़िल्लना गुनू बना तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे वक़ फिर अन्ना सयातना और हमारे गुनाहों को मिटा दे वह तो वफ़ाना मालबरार और नेक लोगों के साथ हमें वफ़ात दे तो हमें अल्लाह रसूल की बताई हुई सारी तफसीलात पर ईमान लाना ज़रूरी है इनका ताल्लुक़ ग़ैब से है इनको हमारी अकलें समझें या ना समझें हमारी अकलों में आए या ना आए, ये बिल्कुल कतई और हकीक़त पर मबली बातें हैं तो के राम इस एक मसले के बाद इस एक नुक्ते के बाद और इस एक जो है क्या नाम है शीख के बाद हम आते हैं इस बात की तरफ कि क्या जन्नत इस वक्त मौजूद है या नहीं मौजूद है यह क़्यामत के दिन जन्नत को पैदा किया जाएगा ये भी एक मसला है जो लोगों के बीच में उठाया जाता है अगर हम कुरान और हदीस के दलाइल को देखें तो हमें पता चलेगा नाजरे ने कराम कि जन्नत को अल्लाह ताला पैदा कर चुका है जन्नत मौजूद है जहन्नम भी मौजूद है दोनों पैदा किए जा चुके हैं चुनान चेल्ला तबारक तआला ने कितनी आयतों में कुरान करीम की जन्नत का तस्करा फरमाया है जहन्नम का तस्करा फरमाया है वो इद्दतलकाफ़्रीन व्द्दतलम्तकी जन्नत के बारे में फरमाया कि मुतकीयों के लिए तैयार की जा चुकी है फरीन जहन्नम काफिरों के लिए तैयार किया जा चुका है तो फेले महजी को इस्तेमाल किया अल्लाह ने और कहा तैयार किया जा चुका है इसी तरीके से इमरान एक सौ तैतीस मेंदिलतकी जन्नत के बारे में आया है कि जन्नत मुत्तियों के लिए तैयार की जा चुकी है तो कुरान भी इस बात की गवाही दे रहा है कि जन्नत को पैदा किया जा चुका है जहन्नम को पैदा किया जा चुका है जन्नत और जहन्नम दोनों मौजूद हैं इसी तरीके से अल्लाह के नबी आईलाम के हदीसों में बकसरत इसकी मिसालें मौजूद हैं कि जन्नत बर वक्त मौजूद है और जन्नत पैदा की जा चुकी है चुनान्च अल्लाह के नबी आल सलाम के बारे में हदीसों पर गौर करें तो आपको पता चलेगा नाजरिन कराम कि रमज़ान का महीना जब आता है तो रमज़ान के बारे में हम सुनते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जाहिर सी बात है जब जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं तो जन्नत मौजूद है तब ना दरवाजे खोले जाते हैं ये इस बात की दलील है कि जन्नत मौजूद हैं चुनान चेहबू रिवायत फरमाते हैं बहुत मशहूर हदीस है हम सभी जानते हैं कि नबी आला ने फरमायादा जा रमदान जब रमज़ान जहा आता है दाखिल होता है फुतिहत अब अब जन्न। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश जो है शैतानों को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है तो नजर कराम जन्नत मौजूद है इसी तरीके से कब्र में जन्नत आदमी को जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है जब आदमी को कब्र में दफन किया जाता है जो मोमिन होता है उसको उसके जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है उसकी कब्र में तो यह इस बात की दलील है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से रिवायत फरमाते हैं कि नबी वलअशी कि जब तुम में से कोई आदमी मर जाता है तो उसका ठिकाना जन्नत में से सुबह शाम पेश किया जाता है सुबह शाम सुबह भी जन्नत का ठिकाना बताया जाता है कि यह तुम्हारा ठिकाना है जहां तुम रहोगे जन्नत में शाम को यह तुम्हारा ठिकाना है जहां तुम रहोगे जन्नत में तो जब आदमी मर जाता है तो जन्नत में उसका ठिकाना जन्नत का में उसका ठिकाना कहां है बताया जाता है फई इनका जन्नति फमिना अहल जन्नः अगर जन्नतियों में से है तो जन्नत का ठिकाना बताया जाता है व इनका नहलिन नार फ़मिन अहलिन नार और अगर जहन्नमियों में से है तो जहन्नम का ठिकाना बताया जाता है यानी दोनों जहन्नमियों को भी उनका ठिकाना बताया जाता है और जन्नतियों का भी उनका ठिकाना बताया जाता है तो जन्नत मौजूद है तब ना उसका ठिकाना बताया जाता है इस हदीस से भी मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी आ सलाम हदीस से इस बात की सराहत होती है कि जन्नत पैदा की जा चुकी है इसी तरीके से ये बात भी तय है अल्लाह के नबी आलामाम के से साबित है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो को जब इसरा कराया गया था इसरा और मेराज के वाक्य जब पेश आया इसरा और मेराज नजराम आप जानते हो कि के तो की मत की जिंदगी में एक रात में जिबरीत आए और नबी सलाम को लेकर के खान काबा से बैतुल बैतलमस गए और बैतुल बैतुलम से लेकर फिर सातवें आसमान के ऊपर गए सिदरतुल मुंतहा तक अल्लाह के नबी सलाम के और उसी मौके पर नमाज फर्ज की गई ये इसरा और मेराज का वाकया कहा जाता है वह बहुत मशहूर वाकया है और बहुत बड़े मोजात में से है जो नबी नबीम को अता किया गया कि एक ही रात में आपने इतना लंबा सैर किया तो अल्लाह के नबी नबीलाम ने इसरा और मेराज के जो मनाजिर बयान किया है उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी बयान फरमाया है कि मुझे जन्नत की सैर कराई गई जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम को घुमाया गया है नबी अलैहिस्सलाम को टहलाया गया जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा है नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत में सैर कराया गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ तक है कि नबी अलैहिस्सलाम जब जन्नत में जा रहे थे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आगे बिलाल रज़ी अल्लाह रजील्ला तैन के चलने की आवाज़ सुनी उनके जूते की आवाज़ आई बाकायदा बिलाल रज़ी अल्लाह रजील् तैन से पूछा कि बिलाल तुम्हारे चलने की आवाज़ जन्नत में मुझे आगे आगे सुनाई दे रही थी तुम क्या अमल करते हो ये सारी तफसीलात हदीस में मौजूद है जाहिर सी बात है जब जन्नत मौजूद है तब ना नबी अलैहिस्सलाम को उसकी सैर कराई गई इन हदीसों को आप देखिए इमाम मुस्लिम रही महिला ने किताबुल ईमान में बाबुल इस्लाम सालाम रसूल इस, इस, इस बाब में इसको जिक्र फ़रमाया है तोल्ला के नबीत को जन्नत की सैर कराई गई है ये इस बात की दलील है कि जन्नत मौजूद है इसी तरीके से अल्लाह के नबी सलाम ने जन्नत में उमर अबन खतार रजील का महल देखा है जन्नत में उमर का घर देखा नबी ने रिवायत है कि हम सब लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ फरमाते नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबे कराम बैठे हुए थे अब थे कहते अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपने आप को जन्नत में देखा अंबिया का जो ख्वाब होता है ये वह की एक शक्ल होती है अम्बिया को ख्वाब में कोई चीज़ दिखाया जाए वो बिल्कुल हकीकत हुआ करती है अल्लाह के नबी सलाम को ख्वाब में जन्नत में ले जाया गया अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़ैदा इमरातुल ततवानब कसरन तो मैंने देखा कि एक औरत एक महल के बगल में वजू करते देखा नबी आलाम ने पूछा ये महल किसका है फ़कअलमरबन फरिश्तों ने कहा कि उमर में खत्ताब रजी अल्लाह तु का महल है ये उनका बंगला है जो जन्नत में अल्लाह तआला के लिए बनाया है फदा कर तो गई रत तो कह रहे मैंने उमर की गैरत को याद किया इसलिए मैं पीछे हट गया यानी महल में मैं जाता लेकिन उमर उम्र रजील्ला बहुत गैरतमंद हैं कहीं उमर रजी अल्लाह तहों को तकलीफ़ ना महसूस हो कि मैं उनके महल में कैसे पहले दाखिल हो गया मैं पीछे हट गया उमर रजी अल्लाह तहों ने जब वाक़ा सुना और ये बात सुनी तो रोने लगे और कहने लगे अल्लाह के रसूल वसलम मैं आपसे गैरत कैसे कर सकता हूँ यानी आप मेरे महल में जाते तो मैं थोड़ी कुछ कहता तो यहाँ ये बुखारी की रिवायत है किताब बदईल खल बाबू माजा आफीसी फ़ती जन्ना ये भी हदीस इस बात की वाजह दलील है के राम कि जन्नत तैयार की जा चुकी है तो नबी अलैहिस्सलाम का जन्नत की सैर करना नबी अलैहिस्सलाम का जन्नत में उमरखा रजील् तक का महल देखना नबी अलैहिस्सलाम का जन्नत के बारे में जो है क्या तफसत बयान करना जन्नत के दरवाजे खोल दिया जाना जन्म के दरवाजे बंद कर दिया जाना ये सारी बातें इस बात की दलील हैं कि जन्नत मौजूद है जन्नत तैयार है लिहाजा इसमें कोई शको शबा नहीं है अब नाजरीन कराम हम एक और पॉइंट पर बात कर लेते हैं और उसके बारे में भी गौर कर लेते हैं कि हमने आपके सामने जो ये सिलसिला शुरू किया है कि जन्नत और उसकी नेमतें इसको जो हमने बयान करने का सिलसिला शुरू किया है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये सोच लें कि जन्नत और उसकी नेमतें बयान करने का क्या फ़ायदा है जन्नत और उसकी नेमतें बयान करने का मकसद क्या है जन्नत और उसकी नेमतें बयान करने की हमत क्या है जाहिर सी बात है कुरान ने जन्नत की नेमतों को बयान किया है कुरान ने जन्नत की तफसीलात को बयान किया है जो इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगी। अल्लाह के नबी आलोलम की हदीसों ने बयान किया है तो एक सवाल उठता है कि जन्नत की नेमतों को बयान करने और जन्नत की तफसीत को बयान करने का क्या मकसद हो सकता है जन्नत की नेमतों के बयान करने का फ़ायदा क्या हो सकता है जन्नत जिसे हासिल करने के हर मुसलमान तड़प रखता है और हर ख्वाहिश रखता है हर मुसलमान जन्नत के लिए तड़पता है एक मुसलमान से पूछो आप नमाज़ क्यों पढ़ते हो एक मुसलमान से पूछो आप रोज़ा क्यों रखते हो एक मुसलमान से पूछो आप इतनी तकलीफ़ उठा करके बारह बारह चौदह पंद्रह घंटा आप रोज़ा तो इसकी वजह क्या है एक मुसलमान से पूछो कि आप इतनी तकलीफें झेल करके इस्लाम के अकीदे पर क्यों जमे हो तो मुसलमान कहेगा मुझे जन्नत में जाना है यह जिंदगी चंद रोजा है चंद दिन के हम यहां मेहमान हैं हम जो है यहां दुनिया से जाने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि मरने के बाद की जिंदगी में मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं मैं जन्नत में चले जाऊं तो एक मुसलमान जन्नत में जाने की तड़प रखता है ख्वाहिश रखता है जब इसे मालूम होगा कि जन्नत कितनी अजीम शान वाला मकाम है उसने जन्नत को नहीं देखा है लेकिन जब जन्नत की तफसीलात बयान की जाएँ जन्नत की नेमतें बयान की जाएँ जन्नत कैसी है जन्नत की जो है महल्लात कैसे हैं उसके बंगले कैसे हैं उसका पानी कैसा है उसमें दूध कैसा है जन्नत में जन्नतियों को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी होगी तो ये सारी तफसीत जब उसको पता चलती हैं तो पता चलता है कि जन्नत कितनी अदीम शान वाला मकाम है जन्नती को किन किन नमतों राहतों और असमतों से गुजारा जाएगा वो वहाँ क्या क्या सहूलतें पाएंगे और वहाँ की ज़िंदगी कितनी इस तरह से पूर्व होगी तो उसके नजदीक जन्नत के मुकाबले में दुनिया की बड़ी बड़ी आजमाइश और बड़ी बड़ी से बड़ी से कुर्बानी भी कुछ नहीं रहती जब जन्नत की अजमत को जानता है मुसलमान कि जन्नत इतनी अजीम जगह है जन्नत में इतना आराम है इतनी सहूलियात है इतनी लज्जतें हैं उसकी जिंदगी इतनी ऐशो इशरत वाली जिंदगी है तो फिर दुनिया में उसको कितनी भी तकलीफ होती है वो उसको बर्दाश्त कर लेता है इसलिए कि आदमी किसी चीज़ की अहमियत को जानता है तो उसके लिए उतनी मेहनत भी करता है जब जन्नत को जाने का इतनी बड़ी चीज़ है तो उसके लिए उतनी मेहनत करेगा उसके लिए फजर की नमाज़ में उठ जाना उसके लिए दीद की कुरबानी देना उसके लिए वक्त की कुर्बानी देना उसके लिए अल्लाह के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी देना यह भी कोई बड़ी बात नहीं होती तो जब है उसके लिए बड़ी से बड़ी आजमाइश और बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी कुछ हैसियत नहीं रखती और हसूल जन्नत के लिए कबाइल से बचना और आमाल साल को अंजाम देना बिल्कुल आसान हो जाता है तो क्योंकि उसको पता हो गया है कि इस अजीम मकाम और रफ़े बलंद दर्जात तक पहुँचने के लिए किस कद मेहनत और किस कद मशक्कत करनी पड़ेगी तो जन्नत की नेमतों को और जन्नत की तफसीलात को बयान करने का मकसद ये होता है और उसकी हमत ये होती है कि नजर ने कराम हमें और आपको अपनी नजरों के सामने जन्नत को रखना चाहिए कोई भी परेशानी आपके ऊपर आए कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आए कोई भी तकलीफ़ आपके ऊपर आए कोई भी आजमाइश आपके ऊपर आए तो आप सोचें कि अगर इस परेशानी में हम सब्र से काम लेते हैं इस आजमाइश में हम पूरे उतर जाते हैं तो हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखा है इस दुनिया में हम कितने दिन जिंदा रहेंगे जन्नत की ज़िंदगी तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है अल्लाह तबारक ताल हमें ऐसी नमत करने वाला है और ऐसी जिंदगी अता फ़रमाने वाला है तो उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है तो नजरीन कराम हमने आपके सामने तमहरी के तौर पर जो बातें बयान की वो ये बातें बयान की कि हम सबसे पहले जन्नत का तस्करा करेंगे और जन्नत की तफसीलात को बयान करेंगे और जन्नत की नेमतों को बयान करेंगे और उसकी वजह यह है कि जन्नत अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर सबकत ले जा चुकी है दूसरी बात यह है कि जन्नत की तफसीत को दुनिया की अक्ल से दुनियावी अकल से हम समझ नहीं सकते हैं लिहाजा जिस तरीके से न वन अल्लाह उसके रसूल ने बयान किया है उसको वैसे ही कबूल कर लेना और गैब से उस पर ले आना हमारी जिम्मेदारी है तीसरी बात हमने आपके सामने ये बयान किया नजर ने के राम कि जन्नत अल्लाह तबारक वाली तैयार कर चुका है जन्नत मौजूद है और जन्नत के जो है क्या नाम है कि तख्लीक़ हो चुकी है यह अल्लाह तबारक वाली की मखलूक़ है अब नबिल्ज़ ने शरीद तहाविया में अगर आप देखें तो उसमें बयान किया है कि अल जन्नत वन्नार जन्नत और जहन्न में दोनों पैदा किए जा चुके हैं अल्लाह इनको पैदा कर चुका है और इसी तरीके से हमने आपके सामने ये भी रखा कि जन्नत की नियमतों को और उसकी तफसीत को बयान करने का मकसद ये है कि एक मुसलमान के अंदर हिम्मत पैदा हो और एक मुसलमान के अंदर जोश पैदा हो और इस मुसलमान के अंदर रगबत पैदा हो कितनी बड़ी जगह अल्लाह तबार को ताला कितनी अधीम जगह देने वाला है वो अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ दें और अल्लाह परीमान लाए इसलिए नदरीन के राम जन्नत की नहमतें आप सुने और जन्नत को हासिल करने की कोशिश करें अल्लाह ताली सब जन्नत में दाखिल होने की तोफ़ी कदा फरमाय हजमा इंदी अल्लामिल् रबालमिन महमद वसलम तस्मिन क तेरा